हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज मैं आपके लेकर आया हूं पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश के यूनिट थर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। जी हां, पीडीएफ भी मिलेगी आपको यहां पर। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यहां पर लेकर आया हूं जो एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। बहुत ही चांसेस ये एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये यूनिट जो थर्ड है ऑलरेडी 15 मार्क्स की है, यूनिट थ्री जो है टोटल 15 मार्क्स की है। स्टूडेंट्स इसमें से 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यानी 8 नंबर, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन यानी 10 नंबर और 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन यानी 15। तो टोटल 15 मार्क्स की यूनिट है। मैंने ऑब्जेक्टिव्स की, स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स का एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले चैनल पे जाके वो वीडियो देख लीजिए और इसको भी देखिए, कंटिन्यू कीजिए फिर, यानी वहां से एमसीक्यू यानी 5 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो आप वीडियो देख लीजिए। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 7 मिनट की 8 मिनट की वीडियो, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो एक वीडियो देख के 7 मिनट का आप पूरे पूरे 5 नंबर ले सकते हैं यूनिट थर्ड से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स की, आंसर्स कैसे लिखना है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश का यूनिट नंबर थर्ड फर्स्ट ईयर एमपीडीएल। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो लाऊं तो आपको फट से पहुंच जाए। और आप पूरा कोर्स खरीदना चाहते हैं, इस पूरे डीएलएड का फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का पूरा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही कम दाम में आपको कोर्स मिलेगा। दिए गए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा कोर्स जो है वीडियो लेक्चर पीडीएफ नोट्स ये सब कुछ प्रोवाइड करूंगा बहुत ही कम पैसे में। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा शुरुआत कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आपको क्या मिल सकता है चैनल पर बने रहने से। तो चलिए हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पहला है व्हाट आर टाइप्स ऑफ लिसनिंग। जी हाँ, लिसनिंग के टाइप्स क्या है, लिसनिंग के प्रकार क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस चैप्टर में आपको लिसनिंग और रीडिंग से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल पूछेंगे, तो याद रखिए लिसनिंग और रीडिंग जो है यहाँ का फेवरेट हॉट टॉपिक है जो सवाल पूछा जाएगा। तो भाई लिसनिंग के बारे में जितना कुछ पढ़ सकते हो पढ़ डालो, रीडिंग के बारे में जितना पढ़ सकते हो पढ़ डालो इस चैप्टर से, ठीक है। तो लिसनिंग और रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट आर थ्री टाइप्स ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग के प्रकार क्या है, है ना, लिसनिंग के जो प्रकार है वो क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले बता दूं लिसनिंग 8 टाइप का होता है, लेकिन अगर आपको 2 नंबर के लिए पूछा तो वहां 8 टाइप्स को लिख के एक्सप्लेन करते मत बैठना भाई, 8 टाइप वैसे लिखे कोई तो नंबर नहीं मिलेंगे। 2 मार्क्स के लिए लिखना है तो शॉर्ट लिखो ना, 8 टाइप लिख दो और वहां पर 2 या 3 को एक्सप्लेन कर दो, हो गया, मिल गया आपको 2 नंबर। जी हाँ, डीएलएड को ऐसे ही पढ़ा जाता है, डीएड बीएड की पढ़ाई ऐसे ही करते हैं, जो पढ़ता कोई भी है लेकिन जो सही ढंग से एग्जाम में लिखता है उसको अच्छे परसेंट मिलते हैं, वो बहुत अच्छे परसेंट से पास होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो टोटल जो टाइप्स ऑफ लिसनिंग होती है वो 8, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ लिसनिंग। कौन कौन सी, मार्जिनल लिसनिंग, इवेल्युएटिंग लिसनिंग और ये जो है प्रोजेक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, डेलिबरेटिंग लिसनिंग, फेक लिसनिंग और लिसनिंग बाय ऑब्जर्वेशन। तो यहां आपके सामने 8 टाइप्स ऑफ लिसनिंग है, ठीक है। 8 टाइप कौन कौन से, मार्जिनल लिसनिंग, इवेल्युएटिंग लिसनिंग, प्रोजेक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, डेलिबरेट लिसनिंग, फेक लिसनिंग, लिसनिंग बाय ऑब्जर्वेशन। तो ये 8 टाइप्स है स्टूडेंट्स, इन 8 टाइप्स को आपको थोड़ा थोड़ा 3-3 लाइन एक्सप्लेन करके लिख देना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इन सब के डिटेल नोट्स और रिटर्न तो आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको फुल कोर्स प्रोवाइड होगा बहुत ही कम दाम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ लिसनिंग, 8 टाइप्स है। अब इसको लिखना कैसे बता दूं, तो आप क्या करना, पहले लिखना देयर आर 8 टाइप्स ऑफ लिसनिंग या फिर देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लिसनिंग, 8 नाम लिख दो एक नीचे, तो इतना तो पेज आपका ऐसे भर जाएगा आधा पेज। फिर आप वहां पर लिखना मार्जिनल लिसनिंग, डैश देखिए मार्जिनल लिसनिंग में ये होता है, ऐसा ऐसा होता है, यानी आपको 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है और ज्यादा मत लिखना। 2 मार्क्स के लिए है तो भाई 2 को एक्सप्लेन कर दो या 3 एक्सप्लेन कर दो, 4 मार्क्स के लिए आया है तो 4 को या 5 को एक्सप्लेन कर दो, बहुत है, इतने में 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक्सप्लेन प्री रीडिंग इन ब्रीफ। भाई प्री रीडिंग क्या होती है उसको ब्रीफ में बताइए, ठीक है। प्री रीडिंग पहले बता दूं, प्री रीडिंग के और भी 2 नाम है। जी हाँ, प्री रीडिंग के और भी 2 नाम है, क्या, प्री व्यूइंग और सर्वेइंग। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो प्री रीडिंग के और भी 2 नाम है, प्री व्यूइंग और सर्वेइंग। प्री रीडिंग के 2 नाम है कौन से, प्री व्यूइंग और सर्वेइंग। तो ये 2 नाम है प्री रीडिंग के। अब देख लेते हैं कि प्री रीडिंग क्या होता है, जनरल एक आइडिया दे दूं आपको कि भाई प्री रीडिंग मतलब रीडिंग से पहले की रीडिंग, यानी जब डिटेल में पढ़ने जाओ उससे पहले हेडिंग पढ़ लो और शुरुआत की पहली 2 लाइन पढ़ लो, लास्ट की 1-2 लाइन पढ़ लो, जिससे आइडिया पता चल जाए कि ये स्टोरी किसके बारे में है, कहानी किस टॉपिक के बारे में, ये आइडिया चल जाता है, तो इसे ही कहते हैं प्री रीडिंग। चलिए देखते हैं, प्री रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्कीमिंग ए टेक्स्ट, किसी एक टेक्स्ट को लिखे हुए पैराग्राफ शब्द जो टेक्स्ट बोलते हैं जिसे, उसको समझना, उसको स्कीमिंग करना। प्री रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्कीमिंग ए टेक्स्ट टू लोकेट
की आइडियाज बिफोर रीडिंग अ टेक्स्ट फ्रॉम केयरफुली फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। किसी भी टेक्स्ट को शुरुआत से अंत तक एकदम ध्यान से पढ़ने से पहले उसके आइडियाज को जानने के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना, इसी को क्या बोलते हैं भाई, प्री रीडिंग कहते हैं। ठीक है, प्री रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्कीमिंग अ टेक्स्ट टू लोकेट की आइडियाज बिफोर रीडिंग अ टेक्स्ट केयरफुली फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ठीक, इसी को बोलते हैं प्री रीडिंग, यानी जनरल आइडिया लेना के लिए थोड़ा सा पढ़ लो तो उसे ही कहते हैं प्री रीडिंग कहते हैं। प्री रीडिंग के दो और नाम है भाई, जैसा मैंने अभी बताया आपको, प्री वीविंग और सर्विंग। जी हाँ, प्री वीविंग और सर्विंग, इसके दो नाम है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ रीडिंग इन पोस्ट प्राइमरी क्लासेस। वेरियस टाइप्स ऑफ रीडिंग को बताओ पोस्ट प्राइमरी क्लासेस में, यानी प्राइमरी क्लासेस जब खत्म हो जाते, प्री नहीं पोस्ट बोल रहा हूँ, यानी पांचवी के बाद की क्लासेस में जो टाइप्स होती है रीडिंग की, ठीक है, उनको बताइए। तो भाई उनके जो है छह टाइप्स होती है, ये ध्यान रखिएगा कि जो लिसनिंग है, रीडिंग है, लिसनिंग है, इनके अलग अलग टाइप है। तो यहाँ लिसनिंग के हमने ऑलरेडी यहाँ का दिखा कि आठ टाइप्स है, यहाँ जो है रीडिंग के छह टाइप्स हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ लिसनिंग। जी हाँ, सॉरी, रीडिंग इधर लिसनिंग के एट है, रीडिंग के छह है। देयर आर सिक्स टाइप ऑफ रीडिंग। तो रीडिंग के कितने प्रकार है? छह प्रकार है। कौन से छह प्रकार है? देखिए, लाउड रीडिंग, चिल्ला चिल्ला के पढ़ना। बचपन में छोटे कक्षा में छात्र कैसे करते हैं, टीचर जो है कुछ बोलती है पोयम कविता और बच्चे पीछे पीछे मैडम को दोहराते हैं। साइलेंट रीडिंग, चुप रहकर पढ़ना। तो भाई लाउड रीडिंग के कुछ फायदे हैं कि जब बोल बोल के पढ़ोगे तो रट जाता है, लेकिन आवाज होती है, एनर्जी वेस्ट होता है, समय लगता है। साइलेंट रीडिंग के फायदे हैं कि चुपचाप मन में पढ़ोगे, कोई आवाज नहीं होगी, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, फास्ट पढ़ पाओगे। और साथ ही साथ इसका गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी, इसमें कमी है, एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि मन में आप कुछ भी पढ़ रहे हो, गलत सलत कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, किसी को पता चलेगा नहीं चलेगा, तो आपकी गलती दूर होगी नहीं दूर होगी, है ना। जैसे मान लो कक्षा में टीचर ने बोला, एक छात्र को खड़े किया, बोले कि चैप्टर पढ़ो, तो वो टीचर, वो बच्चा पढ़ने लग जाएगा, बोल के पढ़ेगा, तो टीचर उसकी गलती दूर कर पाएगा, लेकिन मन में पढ़ेगा वो साइलेंट रीडिंग, तो टीचर को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अगला है इंटेंसिव रीडिंग, बहुत डिटेल में पढ़ना, एकदम गहन अध्ययन करना। एक्सटेंसिव रीडिंग, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ना, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। फिर आता है सप्लीमेंट्री रीडिंग, आधा अधूरा पढ़ना। और आता है लाइब्रेरी रीडिंग। लाइब्रेरी रीडिंग आपको पता होगा, पुस्तकालय में कैसे पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में शांत होकर पढ़ते हैं, एकाग्रचित होकर पढ़ते हैं, और साथ ही साथ कुछ कुछ नोट्स भी बनाते रहते हैं, ये भी आप जानते हो ना। तो ये हो गया लाइब्रेरी रीडिंग। तो ये हो गए छह प्रकार रीडिंग के, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, सप्लीमेंट्री रीडिंग, और साथ ही साथ लाइब्रेरी रीडिंग। ये छह टाइप्स हो गए रीडिंग के। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, व्हाट इज रीडिंग, राइट इट्स एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। भाई रीडिंग क्या है और रीडिंग के एम्स बताइए। रीडिंग मतलब पढ़ाना है तो क्यों पढ़ाना है, रीडिंग क्या है? दिए गए टेक्स्ट को समझना, दूसरों के इमोशंस को, थॉट्स को समझना और आइडियाज को समझना शब्दों के थ्रू पढ़ के, यही तो रीडिंग कहलाता है। और इसका मकसद क्या है? एजुकेट करना, शिक्षा देना, नॉलेज गेन करना। इतना तो आप खुद से डिटेल में लिख ही सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर तीन चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट, जो दो नंबर के लिए भी आ सकते हैं और चार नंबर के लिए भी आ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रोक कर वीडियो को लिख भी सकते हैं। जी, इसके बाद अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए। साथ ही साथ आपको कौन सी वीडियोस चाहिए कमेंट कर दीजिए, और ऐसी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते, जैसे ही वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, पता चल जाए, तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए क्लिक करके, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोर्स चाहिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, तो आपको नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप चाहे तो आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप ही कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप, क्योंकि ज्यादा कॉल्स आते हैं तो समय कम होता है, तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कोर्स को, और बहुत ही कम दाम में आपको सारे नोट्स, पीडीएफ, वीडियो लेक्चर सब मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।